और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी से ये बड़ी जानकारी, गुस्साए किसानों ने रोड जाम कर दिया है। बता दें आपको रेवाड़ी से ये बड़ी खबर और गुस्साए किसानों ने रोड जाम किया है। बता दें आपको अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, जहां पर डीएपी खाद ना मिलने को लेकर किसान परेशान हैं और नाराज हैं। गुस्साए किसान कई जगहों पर रोड जाम कर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। तो रेवाड़ी में डीएपी खाद को लेकर किसानों की ओर से रोड जाम किया गया है। गुस्साए किसानों ने नारेबाजी भी की है। बता दें आपको डीएपी खाद को लेकर पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया है किसानों की ओर से रेवाड़ी में, जहां पर धरना देकर झाबुआ मार्ग को किसानों ने जाम कर दिया है। रेवाड़ी से ये बड़ी खबर, जहां पर डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान हैं और परेशान किसानों ने रोड जाम कर दिया है। और सुरेंद्र गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, अलग अलग जगहों से भी हमने देखा है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, खबरें सामने आ रही हैं कि डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं कि डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन जो स्थिति है वो बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रही है। रेवाड़ी की बात करें तो यहां पर भी किसानों ने रोड जाम किया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कर ले रेवाड़ी के जिले की, तो लगातार यहाँ डीएपी खाद की लगातार कमी बनी हुई है। अगर पिछले काफी दिनों से ये कमी लगातार वस्तु आज भी जारी है, जो किसान है वो सुबह से लेकर रात देर रात तक जो है दुकानों के बाहर एकत्रित रहते हैं, उसके बावजूद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाता। तो आज ऐसे में किसानों का सबर का बांध टूट गया। और बावल उपमंडल की बात करें तो बावल में और दो जगह अभी जाम किसानों ने लगाया है। बावल के बावल और प्राणपरा रोड पर नांगल तेजू गांव के पास ग्रामीणों ने जाम लगाया। वहीं बावल के जो किसान है उन्होंने सर छोटूराम चौक पर भी धरना दिया। उसके बाद सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के निवास स्थान पर जाकर धरना दिया। उसके बाद जो है उन्होंने झाबुआ मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि अभी जो प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए हैं, अभी किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर बात कर ले तो पिछले काफी दिनों से खाद की लगातार कमी है। सिर्फ अगर सिर्फ कहीं ना कहीं किसानों को दिया जा रहा तो आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसे में ही किसानों का सबर का बांध टूट रहा है। सुरेंद्र, जिस तरह से आपने भी कहा और लगातार अधिकारी ही कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद मौजूद है, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों का क्या कहना है रेवाड़ी में? अगर बात करें अधिकारियों का और जहां तक जो दल नेता है उन तक की अगर बात करें तो लगातार आज से नहीं, पिछले एक पखवाड़े से लगातार इसी तरीके के बयान आ रहे हैं कि खाद जो है पर्याप्त मात्रा में, किसी तरीके की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जो तस्वीर है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। किसान जो है 12-12, 13-13 घंटे से लगातार लाइन में लगे हुए हैं, उसके बावजूद उनको किसानों को खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहा। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो जिनके पास दुकानों पर खाद आ रहा है वो इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। यहाँ के जो किसान है उन्होंने आरोप लगाया कि किसान जो ये जो दुकानदार है ये अपना जो खाद है ये कालाबाजारी करते हुए राजस्थान में भेज रहे हैं। तो इसको लेकर भी प्रशासन को जो है कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए कि किसानों की अगर कोई बात है तो उनको पता लगाकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुरेंद्र, हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जनता को और जिस तरह से पुलिस और किसानों के बीच में कहीं ना कहीं नोकझोंक होती हुई भी नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन किस तरह से इन किसानों को समझा रहा है? अगर बात कर ले तो ये नोकझोंक एक आज का ही नजारा नहीं है। लगातार जो है पुलिस के पहरे में जो है खाद का वितरण हो रहा है। ऐसे में लगातार इस तरह की घुटपुट पुलिस के साथ होना लाजमी सा बन गया है। अगर बात कर ले तो आज जो है रोड जाम था तो पुलिस किसानों को समझा रही थी, लेकिन किसान कह रहे थे कि लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो लगातार उनको जो है आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन के बाद उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा। सुरेंद्र, आश्वासन भले ही दिया जा रहा हो लेकिन जो मांग किसान कर रहे हैं डीएपी खाद की वो नहीं दी जा रही। शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए